तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल अलजजा में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। तो दोस्तों, जो आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको कतर ऑन अराइवल वीज़ा के प्राइसिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि नया रूल आने के बाद इंडिया, पाकिस्तान और ईरानियन के लिए ये रूल बदल चुका है ऑन अराइवल वीज़े का। तो इसके बारे में मैं आज आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को जरूर दोस्तों एंड तक देखिएगा, आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर से कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं अपने मुस्लिम व्यूवर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों नमाज़ पढ़ना शुरू करें। आपको कतर का आज़ाद वीज़ा चाहिए, जॉब वीज़ा चाहिए, दुबई का आज़ाद वीज़ा चाहिए है, जॉब वीज़ा चाहिए, विजिट वीज़ा चाहिए है, या इमिग्रेशन कराना है, मेडिकल में कोई हेल्प चाहिए, तो जो मेरा दिया हुआ नंबर है इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और ईरान वालों के लिए जो नया रूल आया है ऑन अराइवल वीज़े का, उसमें उन लोगों को जो है लाजिम होटल की बुकिंग जो है डिस्कवर कतर की वेबसाइट से ही करानी है। उसके अलावा उनकी बुकिंग को माना नहीं जाएगा, और वो भी दोस्तों एक कमरे में एक आदमी रह सकता है। इस वक्त ऑन अराइवल वीज़ा पे अगर आप लोग मियाँ बीवी जा रहे हैं तब भी आपको दो कमरे लेना पड़ेगा, अगर आप लोग सिंगल जा रहे हैं तब भी आपको एक कमरे में रहना पड़ेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोग जितने दिन का होटल बुकिंग का पैसा दे के जाएंगे, उतने ही दिन का आपका एयरपोर्ट पे वीज़ा लगेगा, उससे एक भी दिन ज़्यादा का वीज़ा आपको नहीं लगेगा। आपको लाजिम लाजिम उतने दिन का वीज़ा लेना पड़ेगा जितने दिन का आपके पास होटल की बुकिंग है। मान लीजिए आपके पास 2 दिन की, तो आपको 2 दिन का वीज़ा लगेगा। आपके पास 10 दिन की बुकिंग है तो 10 दिन का वीज़ा लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास जो है होटल क्वारंटीन की, अगर आप लोग जो है डिस्कवर कतर से कन्फर्म बुकिंग नहीं करा के जा रहे हैं, तो आपको वीज़ा नहीं लगेगा। आपको एयरपोर्ट पर भले इंडिया से आप कतर पहुँच जाए, पाकिस्तान से पहुँच जाए, ईरान से पहुँच जाए, वहाँ से आपको लौटा दिया जाएगा आपको, या फिर कतर एयरपोर्ट से ही आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। जितने भी दिन आपको रहना है वहाँ पे बुकिंग करके ही आपको रहना है, आप वरना नहीं जा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों, जो इसकी अभी प्राइसिंग आ रही है वो 213 रियाल एक दिन की आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक दिन का वीज़ा चाहिए है, तो चाहे आप इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ईरानियन हो, तो आपको 213 रियाल का एक दिन का वीज़ा लगेगा। एक दिन का होटल पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपको 10 दिन रहना है तो आपका 2130 रियाल हो गया। आपको 20 दिन रहना है तो उसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4260 रियाल हो गए। तो इस तरह से बढ़ता रहेगा, आपको जितने दिन का चाहिए है उतने दिन का आप 213 रुपये से 213 रियाल से मल्टीप्लाई करते रहें, तो वो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना महंगा पड़ रहा है। अगर आप इंडियन करेंसी में करें तो तकरीबन आपको 5000 रुपया देना पड़ेगा एक दिन के कमरे का। अगर आप लोग पाकिस्तानी करेंसी में करें तो आपको लाजिम 10000 रुपया देना पड़ेगा एक दिन के होटल बुकिंग का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक दिन का आपको ऑन अराइवल वीज़ा इंडियन को 5000 का पड़ेगा, और पाकिस्तानी को वही वीज़ा 10000 रुपये का पड़ेगा, पाकिस्तानी रुपीज़ का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप लोग ऑन अराइवल वीज़ा पर जा रहे हैं तो 5000 रुपये पर डे का वीज़ा है, और अगर आप लोग जो है पाकिस्तान से जा रहे हैं तो 10000 रुपये का वीज़ा आपको लेना पड़ेगा ऑन अराइवल। तो इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लें, जो एक दिन से शुरू होता है 60 दिन है, आप एक दिन से लेकर 60 दिन तक जितने दिन का वीज़ा चाहें वहाँ पर लगवा सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। समझ में आया चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।